ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कुरकुरे बनाए हैं बिना गैस जलाए हुए, बिना किसी सोडे के, और बहुत ही फटाफट बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स मैंने कैसे बनाए हैं, जो बहुत अच्छे बने हैं। एक बार खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और आप बार बार बनाएंगे। और पोहे को मैंने ये अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये पोहा नॉर्मल पोहा लिया है मैंने, जो पोहा होता है ये पोहा वगैरह बनाती हूँ, अगर पेपर पोहा और आता है वो आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैंने ये नॉर्मल पोहा लिया है जिसे अच्छे से मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और इसे मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा था कि इसे रख देती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसे पीसूँगी, लेकिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था तो करीब एक घंटा ये रखा रहा। जब मैंने ये खोल के देखा तो ये बिल्कुल पानी सूख चुका था इसका, और कोई दिक्कत नहीं है अगर पानी सूख गया है तो। इसे मैंने मिक्सी जार में डाला है और थोड़ा सा इसे पानी डालूँगी। पानी डाल डाल के जैसे आपको ज़रूरत लगे वैसा आप पानी डाल सकते हैं, कोशिश करें पानी कम ही डालें। और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। सारे पोहे को इसी तरीके से पीसेंगे। अब पीसने के बाद इसमें नमक मिलाएंगे, नमक हल्का ही रखना है, यह मैं हमेशा बताती हूँ। पापड़ में नमक कम ही डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा डालोगे तो वो पापड़ का फिर तेज़ महसूस होता है, पता चलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने ये सेब बनाने वाली मशीन ली है और एक छेद वाली जो जाली होती है वो मैंने इसमें लगाई है, इसे मैंने यूज़ किया है। इसी से मैंने ये सारे ये कुरकुरे बनाए हैं। ये ऐसे देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये लंबे लंबे कुछ जलेबी टाइप के इस तरीके से मैंने ये बना के धूप में डाल दिए हैं। बहुत ईजिली बन जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे मैंने इसी तरीके से बना लिए थे, कुछ कुरकुरे टाइप में ये लंबे लंबे मैंने बनाए, फिर सूखने के बाद मैंने इन्हें थोड़ा सा तोड़ लिया था, साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो दिन मैंने बहुत अच्छे से धूप लगा दी है, अच्छे से सूख गए हैं। अब मैंने इन्हें सेक के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जलेबी टाइप की जो बनाई थी वो है ये। फ्राई पैन में ऑयल लूंगी और ये देखिए, ये अब इसमें ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स साइज कितना बड़ा हो गया है। बिना गैस जलाए हुए बिल्कुल पापड़ ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारे कुरकुरे बनके तैयार हो गए हैं। अभी तोड़ के भी दिखाऊंगी, सुपर सॉफ्ट बने हैं। ये जलेबी में सेक के दिखा रही है। ये देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए, ये तोड़ के देखो कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप भी ट्राई कर सकते हैं, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट भी करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे फ्रेंड्स।